हाय फिर बन दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैस्टर ट्रिक बाय परमार। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एसएससी रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप सामने क्वेश्चन आप सामने कि रूट सात माइनस रूट पाँच अपन रूट सात प्लस रूट पाँच और प्लस रूट सात प्लस रूट पाँच अपन रूट सात माइनस रूट पाँच बराबर क्या होगा, ये क्वेश्चन आप सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, आइए दोस्तों देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्लस लगा हुआ है तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। ये रूट सात प्लस रूट पाँच और इधर से रूट सात माइनस रूट पाँच, इसका भाग लगाएंगे ये कट जाएगा, ये संख्या बचेगी और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये a माइनस बी, ये भी a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि सात माइनस टू ए बी, तो टू और रूट में सात पंच पैंतीस प्लस बी स्क्वायर, पाँच पाँच का स्क्वायर रूट पाँच का स्क्वायर करेंगे पाँच, इसी प्रकार इसका इसमें भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा और ये संख्या बचेगी, तो ए प्लस बी, बी ए प्लस बी, इनका गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि सात प्लस टू रूट पैंतीस प्लस सौ पंच पैंतीस प्लस पाँच का रूट पाँच का स्क्वायर पाँच। अब ये संख्या माइनस और ये माइनस कट गई, सात ने पाँच बारह, सात ने पाँच बारह, बारह ने बारह कितना होगा चौबीस बटा, ये होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब सात माइनस पाँच बी स्क्वायर, सात में पाँच गया तो कितना बचे दो, ये दो यहाँ आएगा और दो से कटे तो बारह इसका आंसर। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते एक फल वाला पाँच रुपये में दस रुपये में पाँच की दर से संतरे खरीदता है और दस पंद्रह रुपये की छः की दर से बेच देता है, तो इसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो दस रुपये में पाँच, दस रुपये में सीपी निकालेंगे कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, दस रुपये में कितना बेचता है खरीदता है पाँच क्रय मूल्य हो गया, और पंद्रह रुपये में छः, छः की दर से बेच देता है। ठीक है, तो अब इसका क्या है सी पी एन कास्ट प्राइस निकालेंगे, तो इसका त्रियक गुणा करेंगे तो दस छः कितना होगा साठ इसका क्रय मूल्य हो गया और पंद्रह पंजे पिचहत्तर इसका विक्रय मूल्य होगा, पिचहत्तर इसका विक्रय मूल्य हो जाता है। इसको सोल्व करते हैं तो पिचहत्तर में दस गए तो साठ गए तो पंद्रह बचे, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य कितना साठ इंटू सौ बटा एक, पंद्रह से काटा पंद्रह चौके साठ, चार से काटा चार दूनी आठ, चार पंजे बीस, यानी कि पच्चीस परसेंट इसको लाभ हो गया। कितना परसेंट हो गया पच्चीस परसेंट इसको लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का क्वेश्चन, इस तरह एक दुकानदार दस रुपये की ग्यारह पेन खरीदता है। देखो तीसरा क्वेश्चन है सी पी कास्ट प्राइस निकालेंगे, दस रुपये के ग्यारह पेन खरीदता है और सेलिंग प्राइस बेचता कैसे ग्यारह रुपये के दस, ग्यारह रुपये के दस की दर से बेच देता है, फिर ये गुणा करेंगे दस दाम कितना होगा सौ और ग्यारह ग्यारह एक सौ इक्कीस, माइनस करेंगे तो एक सौ इक्कीस में सौ गए तो कितना बचे इक्कीस बचे, और ये लाभ हो रहा तो लाभ परसेंट बराबर होगा इक्कीस बटा सौ इंटू सौ बटा एक, सौ से सौ कट गया इक्कीस परसेंट का उसको लाभ हो गया, कितना लाभ हुआ इक्कीस परसेंट उसको लाभ हो गया।
अगला क्वेश्चन देखिए, तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, है ना।